ग्राम पंचायतों में ऐसे युवा और शिक्षित प्रत्याशियों को प्रधान पद के लिए जिताएं जो लंबी सोच के साथ समाज सेवा का जज्बा रखते हों, नशे से दूर रहें और पंचायत में पैसा कमाने नहीं बल्कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने की क्षमता रखते हों। ये बात शिमला ग्रामीण भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रणदीप कंवर ने कही। उन्होंने शिमला ग्रामीण के टूटू, चौपाल और धर्मपुर खंड में होने वाले प्रधान पद के चुनाव में मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सेवा भाव रखने वाले ही आगे आए। जो लोग केवल रोजगार के तौर पर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं, उन्हें दूर ही रखें। रणदीप कंवर ने कहा कि शिक्षित युवा क्षेत्र विकास के लिए दूरगामी सोच के साथ कार्य करते हैं। सरकार की ओर से विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उच्च शिक्षित व्यक्ति कार्यों को आसानी से आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। शिक्षा तो हर जगह महत्व रखती है, न सिर्फ पंचायत चुनाव में बल्कि जिंदगी को कैसे जीना है, रोजगार के लिए आदमी तभी एलिजिबल होता है जब वो शिक्षित है। किसी काम को करने के लिए व्यक्ति तब एलिजिबल होता है, और जब वो काम करके दिखाता है तब वो सैलरी के लिए एलिजिबल होता है। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले शिक्षा तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल का समय जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। तो एक शिक्षित व्यक्ति समाज को एक अच्छा रास्ता दिखा सकता है, समाज को अच्छी दिशा पे चला सकता है। और जो आजकल जिस तरीके की समाज में बुराइयां हैं, तो एक शिक्षित व्यक्ति जो है वो टेम्परेरी नहीं सोचता, कभी भी वो लॉन्ग रन में सोचता है कि इस चीज का क्या लाभ होगा, क्या आने वाले समय में इस चीज की हानि होने वाली है। तो जिस तरीके से युवा आजकल नशे में संलिप्त हैं, तो वो ज्यादा नहीं सोचते, वो सिर्फ उसी समय का सोचते हैं कि अभी मुझे नशा मिल जाए, वो कल का नहीं सोचते कि उसकी जिंदगी में कल उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। पूरे समाज का नहीं सोचते कि अगर एक व्यक्ति बिगड़ा होता है तो वो अपने आसपास के 10 लोगों को और गलत मैसेज देता है, और इस तरीके से सारा वातावरण ही खराब हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को जो है दूरदर्शी होना चाहिए और नशों से दूर रहना चाहिए, और जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा हेल्दी अगर व्यक्ति होगा तो उसके शरीर में स्वस्थ स्वस्थ तन में स्वस्थ मन वास करेगा, स्वस्थ मस्तिष्क वास करेगा, और वो जो है वो गलत चीजों की तरफ ना तो खुद जाएगा और ना अपने समाज को जाने देगा। मेरा सभी प्रत्याशियों को ये संदेश है कि आप जीत और मेहनत करें, और प्रतिस्पर्धा जो है वो अच्छी होनी चाहिए, कोई गलत कदम ना उठाएं प्रत्याशी, क्योंकि इसमें जो है वो एक अच्छा संदेश जाना चाहिए वो दस में कि जो भी प्रत्याशी है वो समाज सेवा के लिए जो है वो आगे आना चाहते हैं। और क्योंकि राजनीति जो है वो विशुद्ध रूप से समाज सेवा के लिए होनी चाहिए, कुछ एक युवा इसमें अपना जो है वो करियर ढूंढते हैं कि इसमें हमें कुछ मिलेगा। तो मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर सेवा के लिए कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत सब लोग करते हैं, करना भी चाहिए। और अगर 5 साल का समय मिलता है जिसको भी मिले, तो उसको मन लगाकर इतनी सेवा करनी चाहिए कि बाद में जो है वर्षों तक समाज के लोग उदाहरण दें कि फलां व्यक्ति के समय में ऐसा विकास हुआ था जिसमें सब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हुई थी। आजकल सरकारों की तरफ से पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारा बजट जो है वो पंचायतों में आता है। अगर ईमानदारी से उस सारे बजट को लगाया जाए तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में दोबारा से उस चीज पर, उस योजना पर फिर से पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि एक बार अगर अच्छा काम हो जाए तो वर्षों वर्ष तक वो काम, उस काम से सारी जनता जो है लाभान्वित होती रहती है। और सब जनप्रतिनिधियों को ये बात समझनी चाहिए कि जितना भी पैसा डेवलपमेंट के लिए मिलता है सरकारों की तरफ से, उस सारा पैसा जनता की गाढ़ी कमाई के द्वारा जो
जनता टैक्स देती है, उस टैक्स से सरकारें जो है वो जहां पर जिस काम की जरूरत होती है उस तरीके का विकास सरकारें करवाती है। तो जनप्रतिनिधि को सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जनता की गाढ़ी कमाई जो उन्होंने एक एक पैसा बचाव जाकर अपने परिवार से, अपने पेट से, अपने कारोबार से, अपनी नौकरी से, अपने खेतों से एक एक रुपया बचाकर जो है वो सरकार का खजाना भरा होता है, तो इसका सदुपयोग होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ा व्यक्ति ये ना सोचे कि इसमें से मुझे कुछ लाभ हो, बल्कि अपनी जेब से भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के कामों के लिए उनको लगाना चाहिए, और जो सक्षम ना हो वो ईमानदारी से अपने जितना भी बजट आता है उसको लगाएं, और अपने रोजगार के लिए कुछ और अपना खेत, अपना पशुपालन या कोई अपनी दुकानदारी या कोई प्राइवेट जॉब, कोई अपने जीवन यापन के लिए कोई और काम धंधा भी साथ में करें, जिससे कि जो है वो क्षेत्र की जनता भी लाभान्वित हो, और जितना भी जो भी सरकारें बजट देती हैं और जिस काम के लिए जो बजट आता है वो पर्टिकुलर उसी काम पे खर्च हो, ऐसा मेरा मानना है।